नाम प्रीतम डरसेना है, ग्राम रेमड़ा। अच्छा, अभी विधानसभा चुनाव है छत्तीसगढ़ में। राज्य सरकार क्या क्या काम कर रहे हैं मजदूरों के हित में, किसानों के हित में? और क्या, नरवा गुरुआ में काम चल रहा है, चल रहा था। और किसानों के लिए धान समर्थन मूल्य, मजदूरों के लिए क्या क्या है? घोषणा तो क्या है, 2800 रुपये धान कुंटल। और हो रहा है विकास काम क्या है गांव का? क्या विकास, बस इसी रोड एक ठो किया है। हाँ। और हर घर में पानी घुस रहा है। नल जल बना है आप गांव में? नल जल में पानी नहीं, नल जल तो बना नहीं है अभी। अच्छा, तो अभी जो कांग्रेस और बीजेपी के जनप्रतिनिधि लोग हैं, कार्यकर्ता लोग हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, उनका नाम बताएं कौन कौन ऐसे नेता हैं? अभी तो कोई नहीं, वैसे कोई नहीं आ रहे हैं। हाँ। एक बार रूप कुमारी आया था बीच में जी, और संपत अग्रवाल तो हर छोटे छोटे काम में आ रहा है जी। अच्छा, तो कांग्रेस के लोग संपर्क नहीं कर रहे हैं, जनसंपर्क नहीं कर रहे हैं? नहीं, अभी तो वैसा मतलब नहीं है, आयच नहीं है अभी नहीं। तो बीजेपी से किन को टिकट मिलना चाहिए, कौन कौन है? और बीजेपी से तो संपत आ रहा है, रूप कुमारी आ रही है। हाँ। डॉक्टर अग्रवाल, और अग्रवाल आ रहे हैं। तो जीत कौन डॉक्टर अग्रवाल बीजेपी से? बीजेपी से संपत अग्रवाल जिला सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस में तो राजा साहब के सिवा कोई दिखाई नहीं देता। राजा छह कांग्रेस पार्टी में। अच्छा, गांव में और कौन कौन सा विकास काम जो अधूरा है? जैसे कि आप लोगों का पुलिया एक था, बहुत महत्वपूर्ण था आप लोगों के लिए, जो मांग पूरा हुआ आप लोग? हाँ, वो तो हो गया, पुलिया बन गया है, एक साल हो गया बना उसका। अच्छा। हाँ जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम महेश साव। तो क्या चल रहा है विधानसभा चुनाव इधर, किसका माहौल चल रहा है अभी? बीजेपी का, कांग्रेस का तो पता ही नहीं चल रहा है। हाँ। अभी संपत अग्रवाल जी का ज्यादा है। अच्छा, संपत अग्रवाल जी जनसंपर्क में। हाँ। तो मतलब लोग किन किन चीजों से प्रभावित है संपत अग्रवाल जी से? उनके सभी चीजों से प्रभावित हैं। हाँ। मतलब छोटे छोटे कार्यक्रमों में भी जैसे संपर्क करने से आ जाते हैं। अच्छा। और उनका अच्छा है अभी। अच्छा। मतलब हो तो मतलब कांग्रेस के कार्यकाल में कितना खुश है ग्रामीण लोग, क्या क्या विकास काम हुआ गांव में कांग्रेस के कार्यकाल में? अब किसानों को पता होगा, उन लोगों को नहीं, किसानों के लिए तो समर्थन मूल्य में धान मिल ही रहा है। हाँ। जैसे कि कोई गरीब मजदूर है तो उसको भूमिहीन मिल रहा है। गोठान है आपके गांव में? है पता नहीं है? होगा जंगल में है, जंगल में है। अच्छा, आप इसी गांव के हैं? मैं इसी गांव का हूँ। इसी गांव के हैं तो आपको गोठान है कि गांव, इतना भी आपको पता नहीं है ना जी? बहुत दूर है यहाँ से। आप क्या मतलब पशु हैं, गाय बैल हैं? हाँ हाँ हाँ। आप कहाँ भेजते हैं? आप कभी आपके गाय बैल? चरवाहा चरा रहा है, चरवाहा रखे हैं गांव वाले। तो गोठान कभी जाते हैं आप गांव वाले? गोठान का फायदा मिला है आप लोगों को? नहीं, कोई फायदा नहीं मिला है। एक का दो का जाते हैं वहाँ खाद बेचने के लिए। अच्छा। और पता नहीं उनका खाता में पैसा आया कि नहीं आया, ये भी पता नहीं है। केंद्र सरकार की योजना है घर घर नल जल योजना जो पहुंचाना है? घर घर में नल बन गया है अभी। हाँ। टंकी बना नहीं है जी। हाँ, काम तो ऐसे चालू है, प्रोसेसिंग है। हाँ। और कितने दिन से काम चालू है? ये करीबन 2 महीना हो गया, 2-3 महीना घर घर में नल। हाँ, बन जहाँ तक बन चुका है, फायदा मिल रहा है केंद्र सरकार की जो योजना है, इसको तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। किसान सम्मान निधि मिल रहा है? आपका नाम क्या है? उषद पटेल, उप सरपंच है गांव के। अच्छा, आप गांव के उप सरपंच है? हाँ। पता लगा गांव का उप सरपंच हूँ का नाम? ग्राम पंचायत रेमड़ा। सरपंच जी बताइए, मतलब आपके गांव में आप कितना विकास करवा रहे हैं, क्योंकि आप तो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ उप सरपंच चुने गए। यहाँ बहुत सारा काम हुआ है जी, सीसी रोड और पानी का व्यवस्था, पछड़ी अजड़े बनाए हैं। लेकिन आपके गांव को हालात को देख के ऐसे लगता है कि एकदम हर जगह कीचड़ है। अब रोड में भी देखिए, मतलब स्वच्छता अभियान का पूरा मतलब सीसी रोड ऊपर हो गया है, इसका घर में पानी घुस रहा है का? सीसी रोड ऊपर हो गया है, अभी नया बना है। तो पानी निकासी के लिए नाली नहीं दिखता है आपके गांव में? नाली तो नहीं बना है यहाँ। तो सीसी रोड में क्या नाली बनाना जरूरी नहीं था?
जरूरी था। एस्टीमेट में नाली था कि नहीं ये बताइए। एस्टीमेट में तो नहीं था, एस्टीमेट में नाली नहीं था। नहीं था, विधायक कोटा से बना है। विधायक कोटा से बना है। और गोठान का ग्रामीण बता रहे हैं कि मतलब ये सामने में आपके गोठान का पता ही नहीं है, जबकि गोठान तो कांखी योजना है, मतलब कांग्रेस सरकार के छत्तीसगढ़ में। गोठान थोड़ा दूर में है गांव से, खरीदी हो रहा है, गोबर खरीदी जी। पहला इस साल खरीदे थे आप लोग? हाँ खरीदे हैं। कितने हजार का खरीदे हैं, कितने लाख का भुगतान किए हैं बताइए? पूरा मालूम तो नहीं है, लेकिन खरीदे हैं। सचिव अध्यक्ष पूरा जानकारी तो देंगे। मतलब पशु गाय लोग वहाँ जाते हैं गोठान में? नहीं जाते। तो उस पैरा का दुरुपयोग हो रहा है, आगे उपयोग सदुपयोग क्या हो रहा होगा बताइए? सड़ा होगा या उसको सुरक्षित करने के लिए आपने कुछ नहीं किया है? हमने अभी तक तो गोठान नहीं गए, लेकिन आप बता रहे तो जाएंगे कि गोठान की स्थिति भी देखेंगे। अच्छा अभी बताइए सरपंच जी, आप तो मतलब गाँव के जनप्रतिनिधि हैं, मतलब कांग्रेस का माहौल चल रहा है कि बीजेपी का, और जनसंपर्क में कौन आ रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता लोग या बीजेपी के कौन ऐसे नेता हैं जिनको टिकट मिलना चाहिए, और कौन जनसंपर्क में है? जनसंपर्क में बीजेपी से संपत भैया आ रहे हैं, छोटे छोटे काम में डॉक्टर अग्रवाल, रूप कुमारी चौधरी बीजेपी से, तीनों में संपत आगे हैं। तीनों में संपत आगे, संपत आगे। हाँ अच्छा, पिछले साल मतलब जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें आपके यहाँ से लीड कौन था, कांग्रेस था कि बीजेपी था, क्या था? यहाँ से शायद बीजेपी लीड था। अच्छा बीजेपी। अच्छा और कौन कौन सा मतलब अधूरा काम है ग्राम पंचायत में? अधूरा काम अभी पिछड़ी पानी भर गया तालाब में, अधूरा वही है। लेकिन आप नल जल के लिए आप ठेकेदार को आप क्यों नहीं बोलते हैं कि इतना दिन हो गया अभी तक नल नहीं पहुंचा है? बोल रहे हैं यहाँ स्थायी रूप से कहाँ पर टंकी बनाएंगे करके, अभी तक मतलब टंकी के लिए जगह भी नहीं, जगह मिल, हाँ फिक्स नहीं हुआ है, जगह है लेकिन सब कब्जा कर चुके हैं ना, सीधा जगह के लिए कब्जा कर चुके हैं। कब्जा कर चुके हैं, जगह है साथ जगह, लेकिन कब्जा है, कब्जा कर चुके हैं। अच्छा तो अवैध अतिक्रमण के कारण तो और बहुत सारी शासकीय योजनाएं आपके गांव तक नहीं पहुंच पा रही होगी? हाँ नहीं पहुंच पा रही है। इस संबंध में ग्राम पंचायत क्या करती है, आपके सरपंच जी सचिव जी? अभी SDM कलेक्टर को दिए थे नोटिस का ना सीधा तहसीलदार को? अभी जगह के लिए SDM कलेक्टर के पास गए थे, नोटिस दिए थे कब्जा अतिक्रमण हटाने के लिए। कोई कार्रवाई? कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ है कोई। अच्छा आपको क्या लगता है प्रदेश में किसकी सरकार आ सकती है आने वाले विधानसभा चुनाव में? प्रदेश में कांग्रेस आ सकती है। अच्छा कांग्रेस सरकार की क्या क्या वजह है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि कांग्रेस सरकार प्रदेश में दोबारा आ सकती है? कांग्रेस सरकार की किसानों के लिए हित में 20 क्विंटल धान खरीदी करेंगे, 2800 रुपया लेंगे कह रहे हैं। अच्छा किसानों को बहुत फायदा हो रहा है इसलिए? हाँ किसानों को फायदा हो रहा है इसलिए। तो बसना विधानसभा में क्या वो फायदा नहीं पहुंच रहा है जहाँ पे आप मतलब कि यहाँ गांव के लोग बता रहे हैं कि बीजेपी के विधायक जीत सकते हैं? वैसे नहीं है, बीजेपी से आदमी ठीक है, जनसंपर्क आना जाना मतलब संपत अग्रवाल जी टक्कर दे सकते हैं ऐसी आपका? हाँ ऐसे ही अन्य प्रत्याशियों के? हाँ बीजेपी से जी जी टक्कर नहीं, वो जीतेंगे ही जीतेंगे। अच्छा आप कैसे कह रहे हैं कि संपत जीतेंगे मतलब जीतेंगे? संपत के यदि बीजेपी से टिकट मिल गया तो बसना विधानसभा सियोर है उनका। सही बात है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुदर्शन महाकुर है। बीजेपी है तो आप बीजेपी कार्यकर्ता हैं? हाँ। तो बताइए क्या माहौल चल रहा है बीजेपी से, कौन कौन नेता लोग जनसंपर्क में है गाँव में? टोटल तो अभी एक बात मैं बोल रहा हूँ कि इतना दिन हो गया है मेरा, जितना दिन भी अगर मेरे को 18 साल भी 17 साल से मैं ज्वाइन करूँ हूँ पार्टी, लेकिन आज तक बसना विधानसभा में कांग्रेस या बीजेपी कोई तक हमारे यहाँ विधानसभा में नहीं बनी है। जब से भी लाते हैं ना बसना विधानसभा से, सरेबल विधानसभा से हम लोग किराए में लाते हैं दोनों पार्टी आज तक। हाँ सही बोल।
आओ, आओ अभी तक बोलते हैं कि तुम्हारे बसना विधानसभा में आदमी नहीं है, आदमी नहीं है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन हम लोग बोल रहे हैं अगर संपत अग्रवाल अगर टिकट मिल जाएगा तो अगर संपत अग्रवाल घर में सोए रहेगा तो वो बिल्कुल जीत पाएंगे। अब मिलना चाहिए और संपत अग्रवाल जी जीत दिला सकते हैं। हाँ, नहीं तो पूरा दूसरे को देंगे तो बिल्कुल कांग्रेस से बीजेपी हारेगा। तो बसना से तो हमारे एन के अग्रवाल जी हैं, रूप कुमार चौधरी जी हैं ही, ठीक है, है। बाहर से और कोई जो नेता है जो मतलब जनसंपर्क में, क्योंकि आप तो बीजेपी कार्यकर्ता हैं। मैं तो दूसरे विधानसभा को आदमी को मैं पसंद नहीं करता हूँ। भले ही आप पसंद ना करते हो लेकिन ऐसे कोई नेता है जो मतलब जनसंपर्क में है जैसे सरेपाली से या पिथौरा साइड से? नहीं नहीं, मेरा विधानसभा से आदमी दूसरा विधानसभा के आदमी अगर हो जाए खड़ा तो बाल मर जाएगा यहीं पर। मेरा विधानसभा का आदमी होना चाहिए। अच्छा, तो आप किन मुद्दों पर बीजेपी वोट मांगेगी जनताओं से? एक से एक मुद्दे है जी। हर काम तो अभी माने इस साल तो माने कांग्रेस आया है कर्जा माफ के लिए, तो कर्जा किसानों के लिए फायदा हुआ और गरीब लोग क्या फायदा हुआ बताइए। आपका कहना है कि गरीबों का मतलब कांग्रेस के कार्यकाल में कुछ हित नहीं हो पाया? कुछ हित नहीं हो पाया। जैसे कि मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए क्या क्या वादा किया था कांग्रेस ने जो अधूरा है? क्या भाई, मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ। माने जो बोनस दिए दे दिए आओ कि वो धान को खरीदी के लिए और बोनस दिए मिलता है। हाँ, अच्छा, क्या लगता है आपको बीजेपी की सरकार प्रदेश में वापस आ पाएगी? हाँ, बिल्कुल आना चाहिए। पिछली विधानसभा में हार का क्या कारण रहा होगा? वो हार गई, बोनस छूट। तो वर्तमान स्थिति में अगर बीजेपी धान का मूल्य नहीं बढ़ाती है तो ऐसी स्थिति में भी क्या बीजेपी जीतेगी? बिल्कुल जीतेगी वो। और जब हम लोग बोल रहे हैं एक क्विंटल का कीमत 3,000 देना चाहिए किसानों को। अच्छा, एक क्विंटल का कीमत 3,000 देना चाहिए तो बिल्कुल जीतेगा बीजेपी। अच्छा, अगर बीजेपी अगर देती है 3,000 क्विंटल तो इसमें बीजेपी जीत सकती है? जीत सकता है। हाँ, लेकिन वो आपका क्या नाम है? जब तक भानु प्रताप। आप किसान हैं? हाँ, किसान हूँ। कितना एकड़ खेत है आपका? ज़्यादा 8 एकड़ है। अच्छा, 8 एकड़। हाँ, 8-9। तो कितना समर्थन मूल्य मिलेगा कांग्रेस सरकार, आपको पता है अभी धान का रेट मूल्य और कितना? अभी सुनो ना, अभी तो 2,000 था ना, तो अभी 2,800 किया है। हाँ, 2,800 क्या है अभी। कांग्रेस अपना वादा पूरा करेगी, आपको क्या लगता है? देखो तो सब पूरा करते हैं लेकिन अपना नहीं। बीजेपी कहाँ थी? बीजेपी ने तो मतलब बोनस देने के वादा किया था 2 साल तक, नहीं कि ना? रमन सिंह ने वादा थोड़ी पूरा किया था नहीं, वो नहीं किया। बाद समर्थन मूल्य भी कम कर दिया था बीजेपी के कार्यकाल में हुआ था। हाँ, आपको इस बात को पता है कि नहीं है? नहीं है, नहीं है इस बात को। अच्छा, तो अभी आप कांग्रेस को वोट देंगे किसानों के हित में हो रही है इसलिए? नहीं, वैसा नहीं है। हाँ, वोट देखो तो जिसका ज्यादा माहौल चलता है उसी ही भक्त है। अच्छा, हाँ। तो माहौल किसका चल रहा है? माहौल लोग संपत भैया का चल रहा है। अच्छा, संपत भैया का माहौल। अब बसना विधानसभा की बात करें, मतलब विधायक रूप से आप संपत भैया को देखना चाहते हैं? हाँ, संपत भैया। अच्छा, किन किन चीजों से मतलब किन कार्यों से प्रभावित है ग्रामीण लोग? ग्रामीण लोगों का किसी को अच्छा नहीं लगा, किसी को जची हो नहीं पा रहा है, वो तुरंत एम्बुलेंस भेजवा देता है। अच्छा, और यहीं से लेकर अस्पताल में भर्ती करता है गांव वाले के, यही हित करता है संपत अग्रवाल। मतलब आप स्थानीय विधायक के रूप में संपत अग्रवाल को देखना चाहते हैं? हाँ। तो राज्य सरकार का मतलब और कौन कौन सा काम है जिन्हें आप अच्छा लगा या फिर आप ना खुश हैं? तो राज्य सरकार वैसा भी नहीं है वो, देखो राज्य सरकार से गली गली में पूरा लाइट भी व्यवस्था कर दिया है। हाँ, क्या है आपका गांव के हालात देख रहे? पूरा कीचड़ लगता है। देखो तो सीसी रोड ऊपर हो गया है, घर का पानी निकासी नहीं हो पा रहा है, इसके कारण से बहुत ये हो रहा है। क्या नाम है? अनिल कुमार विसार है मेरा नाम। अभी यहीं से? हाँ, रेमड़ी से हूँ। किसान है आप? किसान हूँ मैं। अच्छा, कांग्रेस के कार्यकाल से ग्रामीण लोग कितना खुश हैं? यहाँ की जनता गांव से, गांव में कितना विकास हुआ? किसानों के हित में तो धान खरीदी हो ही रहा है समर्थन मूल्य में, और क्या क्या विकास हुआ उसमें? कांग्रेस सरकार में तो कुछ विकास तो हुआ नहीं है, मात्र विकास हुआ है अपना जो बोनस दे रहा बस वही विकास है, बाकी तो कुछ विकास तो दिख रहा नहीं है। बाकी से कुछ मात्र जो किसानों को बोनस दे रहा बस वही हमारा जो फायदा दिख रहा है, बस वही एक दिख रहा है वो अच्छा, एक अच्छे प्रोसेस में है, बाकी तो और कुछ नहीं दिख रहा कांग्रेस का। जो नरवा गुरवा किया है तो वो तो अपने गांव में वहां पर जंगल में कर दिया, तो कोई खातू लेके कौन बो के जाएगा उतना?
गोबर लेके कुछ फायदा नहीं, नहीं जा पाते। कितना किलोमीटर है गाँव से? यहाँ से 4 किलोमीटर है। यहाँ 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर तो कौन यहाँ से गोबर उठा के लेके जाएगा? अच्छा, तो गाँव के आस पास जगह नहीं था गोठान? जगह है गोठान के लिए, लेकिन वहाँ पर कोई वो नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर अभी कब्जा कर रहे हैं, अभी घर बन रहा है अभी वहाँ पर। अच्छा, हम लोग विधानसभा चुनाव की बात करें, कांग्रेस से कौन नेता लोग संपर्क है? देखो, बीजेपी से कौन है? यहाँ पर जितने भी सरकार आएंगे सब अपना दाल सकेंगे, बाकी किसान का कोई भरा नहीं होगा इसमें। ये तो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, यहाँ पर जितने भी किसान सब जानते हैं है कि यहाँ भी चाहे बीजेपी आए, चाहे कांग्रेस आए, चाहे अपना ये क्या बोलते हैं भाजपा भी कोई भी आए, लेकिन वो अपने ही दाल सकेंगे, किसान का कुछ भला ही नहीं होगा यहाँ पर। अच्छा, अभी तो आप क्या चाहते हैं, आप कैसी सरकार चाहते हैं? यहाँ पर तो वही है ना, कोई भी सरकार आप दोगे तो वही किसी को भी अच्छा बनाओगे तो वो ऐसे ही करेगा, वो अपना फिर वही चट्टे बट्टे में आ जाएंगे, वही कोई नेतागिरी अपना नहीं। पहले वैसे थे, आज कांग्रेस भी वैसे, सब वही है, एक ही बराबर है, किसी में कोई वो नहीं है। मैं स्थानीय नेताओं की बात कर रहा हूँ कि यहाँ कौन कौन जनसंपर्क है? जनसंपर्क में तो अभी कांग्रेस कहते हैं अपना ये है संपत अग्रवाल है, बस संपत अग्रवाल उसी का एक थोड़ा सा दिख रहा है, जो कुछ सहायता होता है के लिए जो, लेकिन अभी जो कर रहा है, अब क्या मालूम नेता बनने के बाद भी वही पोजीशन आ जाएगा उसका भी। अच्छा। कोई वो नहीं है जी, जी। क्योंकि नेता लोगों का तो कोई वो नहीं रहता है, कभी बदल सकते हैं भविष्य में, कोई यहाँ पर वो नहीं है। और राजा ने? राजा तो राजा ही हैं, बस वो एक ही बार आएंगे, बस अभी एक ही बार आए थे, उसके बाद तो जय राम जी के सोए थे बस, वो कभी भी कीर्तन बुलाते हो। उसी चीज़ की और सुविधा होना चाहिए गांव में। हाँ, क्या क्या? और गांव में तो नल जल की सुविधा होना चाहिए था, और यहाँ पर जो सामाजिक शौचालय बना है, लेकिन वहाँ पर सब पत्थर वर डरा है शौचालय के अंदर में, वहाँ पर कोई स्लीपर ऊपर की जरूरत थी, वहाँ पर कोई स्लीपर नहीं है। जब पूर्ण हो गया सामुदायिक शौचालय एक हुआ है, उसका तो और कहीं पर हुआ नहीं है। गांव के आप कीचड़ कैसा है, किस कारण है यहाँ कीचड़? ये कहते हैं अपना, ये तो पानी निकासी का नहीं, पानी का नहीं है ये, मेरे ख्याल से ये ट्रैक्टर का जो डबल केज सिंगल केज पर जा रही है ना, आना जाना कर रहे हैं ना, तो उसमें क्या चिखर लटक के आ रहा है ना, उसे हमने नहीं अच्छा सी पानी आ जाए, अगर दो एक आठ दो घंटा पानी गिरेगा ना तो ये भी साफ हो जाता है, ये कोई वो नहीं है, इसमें कोई बड़ी वो नहीं है। एक अपने गली में है, तीनों में राज्य सरकार में किसकी सरकार बन सकती है छत्तीसगढ़ राज्य में? अभी तो बहुत जन के मुँह वो से सुन रहा हूँ, तो कांग्रेस की आ सकती है राज्य में। कांग्रेस कार्यकाल में कितना विकास हुआ? नहीं पता, कांग्रेस में तो एको जन नहीं है, एको जन नहीं। आप यहीं से होता था जी? हाँ। अच्छा, कांग्रेस से आपको कौन कौन नेता दिखते हैं? आओ कहाँ के नेता मन तो जमो खा खा दिन तो मतलब कौन दी। बीजेपी से कौन कौन नेता लोग? ओ के दे के जना संपत अग्रवाल के अभी चलत है। अच्छा, संपत अग्रवाल जी का चल रहा माहौल? हाँ चलत है। आप कैसे होते जो आप किसान है? हाँ। पेंशन में मिलता है कि नहीं आपको? मिला तो कहाँ के और वो मिलते तो हुआ नहीं मिला थे विधान है। तो आपको प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनती दिखाई देगी? प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी पास इस बार? अभी आप कौन जाना थे, किस्मत तो है नहीं, किस्मत है कहाँ। फिर भी जो काम को देखकर कैसा लगता है आपको, बीजेपी हाँ, कर सकता है कि कांग्रेस की? अभी तो बीजेपी बढ़िया काम कर रहे हैं। अरे बीजेपी काम कर हाँ, देख आवाज आधा जन के मिल गई ना, डबल मिल गई इसने, अब आधा जन एको जन नहीं पाए। अच्छा, हाँ एको जन नहीं पाए के और डबल पापा गिनने आवाज हमारे यहाँ कटका पड़े एको जन नहीं पाए और डबल पापा गिनने। अच्छा, कई जन को रिपीट मिल गया, डबल मिल गया? हाँ डबल मिल गई थी। कौन गांव के? रेमुड़ा के। रेमुड़ा के? तो काकर माहौल चला था कांग्रेस के कि बीजेपी के? अभी कांग्रेस के चला थे गांव। अच्छा, कांग्रेस के माहौल चला थे। हाँ, पैसे का योजना मन मिला थे तो अच्छा लगा था कांग्रेस के? कांग्रेस के काएगा धान ला ज्यादा ले थी। हाँ, धान ला ज्यादा ले थी और सब छूट छूटा कर दी। अच्छा, कर्जा मुक्ति कर दी, कर्जा मुक्ति कर दी किसान उनके। हाँ, वो और फायदा है, लेकिन गरीब मन के ध्यान नहीं दी से कांग्रेस और जाना था। अच्छा, तो किसान आज की गरीब है? मैं मुरे के कढ़े। अच्छा, किसान गरीब भी हूँ, दोनों एक एकड़ है मुर्गा। हाँ, लेकिन गरीब पर अच्छा नहीं करी इसके वजह से। हाँ, तो गाँव में विकास काम कैसे है? गाँव में विकास काम का नल जल मन कैसे कैसे बने?
अभी तो समझ जाए कि माल गोठान के फायदा मिलत है कि नहीं मिलत है। गोठान के फायदा ला मैं का जाने, हमने तो गरवा नहीं है कि कछु नहीं है। हां अच्छा, विधानसभा चुनाव के बात करबो हमन बसना के, तो कौन है मतलब विधायक पर कौन कौन बन सकत है विधायक? विधायक तो अभी समझ जा हम कांग्रेस ला निधन कि ये ला निधन समझ हमर ये हो ही ना। हाँ मतलब संपत उठी गल उला देथन हम। अच्छा संपत उला देबो कछु में उठी उला देबो हम। अच्छा कछु में। हाँ तो पिछले टाइम निर्दलीय लड़े रही है। हाँ तो इस टाइम वो बीजेपी में फिर आ गए है। हाँ तो आगे का लगते तोला टिकट दही तो लागते बीजेपी है संपत अग्रवाल ला पता नहीं उला काला जान भी याद। अच्छा ते मोला बता तोला टिकट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। अच्छा तो कांग्रेस में विधायक ला तो जाना थवे। हाँ जाना था। कौन है? राजकुमार। राजकुमार मतलब राजा देवेंद्र। राजा देवेंद्र बहादुर। अपन आते गांव में आते गा बुलाए लिया ही नहीं तो न्याय घोले जाले घोले न्याय। मैं तो कीर्तन में दुख आ गए होनी ऐसे। अच्छा ओ तो राज्य में काकर सरकार बन सकते है बीजेपी की कांग्रेस के? अभी मैं काल कहां सके काकर बन सकते थे? समय बताइएगा। मुंशी राम प्रधान पूरा वर्तमान विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़ में आप किसकी सरकार बनते दिखाई दे रहे हैं? आप भूपेश की सरकार बनेगी, पक्का की सरकार। अच्छा क्यों ऐसा लगता है कि आप फिर छत्तीसगढ़ में भूपेश जी? इनके द्वारा जो है ना विकास काम जो है ना बहुत कराया जा रहा है जी, है ना। शासन की जो योजनाएं हैं वो लागू किया जा रहा है जी, और किसानों के हित में तो जो है ना भूपेश सरकार के द्वारा जो है ना अच्छे निर्णय लिए गए हैं। हाँ। इसलिए जो है एक बार तो जो है ना कांग्रेस की सत्ता आएगी और आना भी चाहिए, क्योंकि किसान वर्ग जो है ना खुश है, सब वर्ग खुश हैं, सभी को जो है ना ले के चल रहे हैं। इसलिए रेमड़ा में बहुत लोगों से मिला, उसमें कई किसान भी थे, गरीब मजदूर भी थे। किसानों का भी कहना है कि मतलब समर्थन मूल्य में धान और बोनस देने के अलावा छत्तीसगढ़ सरकार ने और क्या ही किया है, उठाना को लाभ नहीं मिल रहा है, गरीबों के हित में कुछ काम नहीं हुआ, इससे उनका कहना है। नहीं नहीं काम तो हो रहा है जी, निश्चित रूप से काम हो रहा है, सभी को लेके चल रहे हैं जी, और मैंने किसानों को लेके चल रहे हैं ऐसी वाली बात नहीं है। किसान वर्ग तो खुश हैं, हर वर्ग खुश है। मजदूरों के लिए क्या कर रही है कांग्रेस सरकार? मजदूरों के लिए, गरीब मजदूरों, गरीब मजदूरों के लिए तो मनरेगा है, ग्रामीण रोजगार गारंटी चल रहा है, उनको तो 100 दिन का काम मिल रहा है ना। गोठानों की स्थिति क्या है, आपने कभी गोठान जाकर देखे हैं? नहीं, कई जगहों गोठान की स्थिति ठीक है जी, हर जगह की स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन जो है ना अध्यक्षों के ऊपर निर्भर करता है जी, जी, जहाँ जहाँ के अध्यक्ष सक्रिय हैं निश्चित रूप से गोठान का जो है ना विकास हुआ है जी। भाई गोबर खरीदी स्थानीय बात करें विधानसभा चुनाव की बसना की, तो कांग्रेस से मतलब कौन है जो अभी जीत दिला सकते हैं? राजा जी हैं अपनी तो वर्तमान विधायक हैं, और उनके वाला और कौन है, नाम किनका चल रहा है? क्योंकि विधायक अभी राजा जी के सिवा और किन्हीं का नाम हमने अभी तक सुना ही नहीं है बसना। अभी यहाँ तो मेरे हिसाब से कोई दावेदारी तो कर नहीं रहा है जी, तो इकलौता जो है ना विधायक तो हैं जी, है ना जी, अभी की दूसरे का नाम नहीं आ रहा है जी, तो निश्चित रूप से एक ही इन्हीं का नाम है। अच्छा। आप कोई दावेदारी नहीं करेगा तो निश्चित रूप से इनको मिलेगा। अच्छा। तो सर क्या लगता है मतलब उनके कार्यकाल से कांग्रेस के कार्यकर्ता और ग्रामीण लोग कितने खुश हैं? देखिए मैं स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूँ जी, हमारे विधायक जो हैं जी, मैं पार्टी के यहाँ फिर भी बोल रहा हूँ जी, निष्क्रिय हैं जी, और उनका खमजाना भी भुगतना पड़ सकता है जी। मतलब पिछले बार तो लहर थी इसलिए जीत गए, और इस समय तो मेरे को मुश्किल लग रहा है। अच्छा इस समय आपको मुश्किल मुश्किल लग रहा है, क्योंकि देखिए कहीं आना ना जाना। अच्छा। कुछ लोगों से जो है ना घिरे रहते हैं जी, उन्हीं लोगों के जो भी जैसा बोलते हैं वैसा होता है। हाँ लेकिन फिर भी राजा साहब का मतलब बहुत ही जन समर्थन। अभी मैं ये बता देना चाह रहा हूँ, मेरा एक सवाल था आपसे, बीजेपी से अगर किनको टिकट मिलती है तो वो टक्कर दे सकते हैं राजा जी को? अब देखिए बीजेपी में तो कई दावेदार हैं, मैं किनका नाम लूँ जी,
अभी तो वो बीजेपी में लंबी लिस्ट है जी, है ना, कईयों कई दावेदार हैं, अब किनको मिलेगा किनको नहीं मिलेगा ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन लंबी कतार में है बीजेपी वाले। अच्छा, आप वर्तमान में अभी कांग्रेस पार्टी की कुछ कमियां बता रहे थे बसना ब्लॉक की, क्या क्या आपको अभी कमियां दिखाई दे रही है जिसको अगर ठीक करें तो राजा साहब वापस चुनाव जीत? नहीं, मैं तो पिछड़ा ब्लॉक का हूँ जी, है ना, बसना विधानसभा का हूँ, लेकिन मेरा ब्लॉक जो है ना पिछड़ा पड़ता है जी। अब मैं खुद जो है ना दुखी हूँ जी, इनके जो क्रियाकलाप हैं जी, जो एक्टिविटीज हैं, हाँ, उनके जो अभी मैं खास करके ये रवि कश्यप के बारे में बोलना चाह रहा हूँ, मुझे डर नहीं है जी। मैं जो है ना समर्पित कार्यकर्ता हूँ, जो सही है उसको बोलने में मुझे कोई डर नहीं है जी। इन क्या कहना चाहते हैं? संगठन, भाई संगठन को जो है ना सबको लेके चलना चाहिए। अच्छा जी, संगठन में अभी जो है ना रवि कश्यप को जो है ना ब्लॉक कांग्रेस के कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है जी। लेकिन जो कांग्रेस के निष्ठावान में समर्पित कार्यकर्ता हैं उनकी कोई पूछ परख नहीं है जी। तो निश्चित रूप से उसका खामियाना अच्छा। विधायक को भुगतना पड़ेगा, हमारे विधायक तो निष्क्रिय है ही है, कुछ लोगों का ये में है, और मैं तो जीव हजूरी करने वाला में से नहीं हूँ।